आज हम ऐसा ट्रिक के बारे में बात करेंगे, उस ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज हम बात करेंगे अमेज़न के बारे में बात करेंगे। अमेज़न तो आप सब लोग यूज़ करते होंगे, आप सब लोग को पता नहीं होता अमेज़न का जो पे बैलेंस है उस पे बैलेंस को हम कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़ोनपे में, पेटीएम में, कोई भी बैंक अकाउंट में आप उस अमेज़न पे बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कभी कभी उस बैलेंस को ट्रांसफ़र करने के बाद ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। इस पूरी वीडियो में बताऊँगा अमेज़न पे बैलेंस को हम कोई भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेटीएम बैंक, फ़ोनपे, कोई भी बैंक पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दिस इज टेक्निकल मार्शल एडिशन का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से टेक्निकल मार्शल एडिशन को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिंक को प्रेस कीजिए, तभी हम कोई भी न्यू वीडियो डालेंगे आपको पहला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सब लोगों को पता है हमको पहले वीडियो के साथ बेसब देते हैं, जल्दी से टेक्निकल मार्शल एडिशन को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो गाइस पहले अपना मोबाइल का अमेज़न ओपन कीजिए। अमेज़न ओपन करने के बाद ऊपर साइड में देखिए 3 डॉट वाला आइकॉन, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए अमेज़न पे, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए सारा ऑप्शन आ चुका है। देखिए स्कैनिंग एंड पे, सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, पेंडिंग UPI, देखिए अमेज़न पे UPI। सिंपली देखिए सेंड मनी, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए 2 UPI ID, 2 बैंक ऑफर्स हिस्ट्री। आप UPI पर बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक अकाउंट पर बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं UPI ID में बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं मैं दिखा देता हूँ। अपना पेटीएम को ओपन कीजिए। पेटीएम ओपन करने के बाद ये देखिए UPI मनी ट्रांसफ़र, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऊपर साइड में देखिए मोर, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए अपना UPI ID आ चुका है। देखिए ईयर भीम UPI ID, इस ID आपको कॉपी कीजिए। मैं इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। UPI देने के बाद वेरीफाई टू परसेंट, इसमें क्लिक कीजिए। वेट कीजिए, आ रहा है। ये देखिए कितना रुपये आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मैं दे देता हूँ 20 रुपये। आप जितना रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसमें दे दीजिए, ऐसे दे देता हूँ 20 रुपये। देने के बाद व्हाट इज़ दिस, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद देखिए सेंड मनी, इसमें क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी मैं ट्रांसफ़र नहीं कर, फिर बात करते हैं बैंक अकाउंट पर बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं दिखा दूँ, बैक कीजिए, मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद ये देखिए 2 बैंक, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स, अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स इसमें मांग रहा है। IFSC कोड इसमें मांग रहा है। देखिए अकाउंट नंबर मैं फिलअप कर देता हूँ फटाफट। देने के बाद नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अपना नाम इसमें लिख दीजिए। देखिए प्रोसेड टू सेंड मनी, इसमें क्लिक कीजिए। ये देखिए सेम प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। देखिए आप कितने रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, देखिए मैं 40 रुपये दे देता हूँ। देने के बाद ये देखिए सेंड मनी, इसमें क्लिक कीजिए। व्हाट इज दिस, कुछ भी लिख सकते हैं। देने के बाद ये देखिए सेंड मनी, इसमें क्लिक कीजिए। प्रोसेसिंग हो रहा है, ऑटोमेटिक मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है जल्दी से मेरे टेक्निकल मार्शल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तब भी हम कोई भी न्यू वीडियो डालेंगे आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सब लोगों को पता है हम क्वालिटी वीडियो के साथ बेसब भी देते हैं, जल्दी से मेरे टेक्निकल मार्शल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं दुआ करता हूँ आप सब अच्छा रहे, सुखी से रहे। फिर मिलेंगे, बाय बाय।